सभी को गुड मॉर्निंग आ जाइए एक बार से लाइव साढ़े छ का टाइम नमस्ते नमस्ते जय श्री राम गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात एक बार ऑडियो वीडियो यदि क्लिक करके बता दीजिए तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जल्दी से बताइए छः सत्ताईस हुए हैं जी बिल्कुल है ना मैं छः बजे लेने वाला था क्लास छः सत्ताईस ही हुए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आप जो है वो साथ में नोटबुक लेकर के बैठते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ये जो क्लासेस जो आज हो रही हैं उसमें अपन दो मेथड को डिस्कस करेंगे और दोनों के दोनों मेथड परसेंटेज के होंगे परसेंटेज से दो टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके शॉर्ट तरीके आज बताने वाला हों वो तरीके आपको समझने हैं कि शॉर्ट मैथड से उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो अभी तक अपन मैथ्स पढ़ते आ रहे थे वो सीरीज बिल्कुल अलग है उसके अंदर वर्गमूल एवं घनमूल टॉपिक यूनिट फर्स्ट से अभी बाकी है लेकिन ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक है इसके लिए मैं अलग से प्ले बना दूंगा है ना वो अलग मिलेगी आपको शॉर्ट मेथड नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से ये आप जो है वीडियो देख सकते हैं बाकी अपन तो रेगुलर क्लासेस लेते आ रहे थे अभी तक वो उनकी प्ले अलग है है ना वो रीड के लिए मैथ नाम से जो है वो प्ले अलग बनी हुई है जो कि फर्स्ट यूनिट से अपने स्टार्ट की थी उसमें आपके वर्गमूल एवं घनमूल जो है वर्ग एवं वर्गमूल घनमूल ये सारे टॉपिक जो है वो बाकी है उसके अलावा फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो रखी है आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से तो सम्सअप कर लीजिए यदि स्टार्ट आप सभी जो है वो तैयार है तो और नोटबुक और पेन साथ में लेकर के ज़रूर बैठें ताकि जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो नोट करनी है और जिन चीज़ों को आपको पहले से पता है तो क्वेश्चन दूंगा उसके आपको क्या बताने हैं आंसर बताने हैं चलिए सबसे पहले यदि मैं परसेंटेज का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है केवल क्वेश्चन पर बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्ट मेथड क्या हो सकते हैं उस उस टाइप के क्वेश्चन को है ना तो दो टाइप आज पढ़ने वाले हैं उसके लिए आज ये परसेंटेज की क्लास रहेगी लेकिन पूरा का पूरा परसेंटेज यहां पर नहीं पढ़ेंगे जब परसेंटेज की अलग से क्लासेज लूंगा उस समय आप डिटेल से परसेंटेज बताऊंगा कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं किस संख्या का कैसे परसेंटेज होते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आज जो है स्पेशली दो टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूं जैसे कि मान लो कोई नंबर मैं मान लेता हूं कि 800 है ना कोई नंबर 800 मान लिया 500 मान लिया ये कोई भी नंबर हो सकता है और उसका कोई परसेंटेज निकालने का बोले मान लीजिए कि इसका आपको 20 परसेंटेज निकालने का बोले ना 800 का 20 परसेंटेज 800 का 20 परसेंटेज निकालने का बोले आप सभी होशियार हैं और आराम से निकाल देंगे कैसे निकालेंगे तो 800 का की जगह गुणा 20 जब भी हटता है तो हर के अंदर कितना आ जाता है सौ आ जाता है दो जीरो से दो जीरो काट दोगे और आठ और बीस का गुणा करके आप कितना बता दोगे एक सौ साठ बता दोगे यहाँ तक क्लियर है और ये तो आपको सभी को क्या है पहले से ही पता है ये सारी चीजें अब देखना आपको क्या है कुछ चीजें मैं बता रहा हूं वही 800 है अगर 800 का आपको एक परसेंट पूछे क्या पूछे 800 का एक परसेंट कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है 800 का एक परसेंट पूछे तो आपको पीछे के जो दो डिजिट है उन पे क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है पीछे की दो डिजिट छोड़ छ क्या लगा देना है दशमलव लगा देना है पॉइंट अगर मैं दो डिजिट छोड़ करके अगर पॉइंट लगा देता हूँ यानी ये दो जीरो खत्म कर देता हूं तो कितना हो जाएगा एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आठ हो जाएगी ये चीज आपको पहले से पता है लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो चीजें नहीं हैं उनको समझने के लिए ये सारी चीजें काम आने वाली है एक परसेंट की वैल्यू हो गई अगर मान लीजिए दस परसेंट की आपको वैल्यू पूछे है ना आठ सौ का एक परसेंट आपने आठ निकाल दिया और दस परसेंट की वैल्यू पूछे तो क्या करना है देखिए एक के यहां पर एक से क्या हो गया दस हो गया यानी दस से क्या हो गया गुणा हो गया तो यहाँ पर राइट साइड में भी आप दस से गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाएगा अस्सी हो जाएगा बीस का पूछे तो दस का क्या कर देना है डबल सही से नहीं दिख रहा है तो एक बार क्या कीजिए आप क्लियरिटी जो है वो बदला दीजिए आराम से दिख जाएगा 20% की वैल्यू पूछ ले तो क्या निकालोगे 80 का डबल कर दोगे क्योंकि यहां से 10 लेफ्ट में जो है वो

एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या सही नहीं दिख रहा है क्या ओम प्रकाश सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर श्री श्याम सही से नहीं दिख रहा है जय माता जी की हुक्म जितेंद्र सिंह जी भाटी जय माता जी की साफ नहीं दिख रहा है एक बार बता दीजिए आप साफ दिख रहा है सर साफ़ दिख रहा है बिल्कुल सही से तो आ रही है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना क्योंकि क्लास स्टार्ट करें तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही चल रहा है ना देख लीजिए एकदम बिल्कुल सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जी बिल्कुल है ना जो देख रहे हैं वो अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए वहाँ से है ना थ्री सिक्सटी की वजह फोर एटी में देख लीजिए क्लियर है क्लियर है चैन भाटी सुखविंदर एडवोकेट जितेंद्र सिंह भाटी ऑल इज़ वेल well, ऑल इज़ क्लियर चलिए फिर है ना स्टार्ट करते हैं देखिए आपको जो है वो दो चीजें यहां पर मैं पहले बताना चाहूंगा एक तो परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करता है ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन का मतलब यहां पर हो जाएगा भिन्न अनिल बिष्णु क्लियर है जी सर फ्रैक्शन से सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कैसे आप इसको चेंज करते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है देख लीजिए ना अगर मैं बोलूं कि 50 परसेंट है वो भिन्न के अंदर फ्रैक्शन को बोलेंगे आप भिन्न तो फ्रैक्शन के अंदर इसको कैसे लिखेंगे तो आपको क्या करना है सीधा का सीधा 50 लिखना है प्रतिशत को हटा करके बटा में क्या देना है सौ का भाग यानी कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को यदि फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है तो सीधा सीधा सौ का क्या देना है आपको भाग देना है और जब सौ का भाग दोगे तो ये कट करके कितना आ जाएगा एक बट्टा यानी जो पचास अंदर है है ना जो 50 परसेंट की वैल्यू 50 परसेंट की वैल्यू है वही एक बटा दो की वैल्यू है कैसे देख लीजिए यदि मैं कोई संख्या लिखता हूँ आप 200 मान लीजिए और 200 का आपको 50 परसेंट निकालना एक बार के लिए मैं सरल चीजें ले रहा हूँ 200 ले रहा हूँ 300 ले रहा हूँ उससे क्या है आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें जो है वो आपसे आपने पहले ही पढ़ पढ़ रखी है कि पचास परसेंट सौ परसेंट तीस परसेंट ये कैसे निकालते हैं इस वजह से आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा अगर मैं बोलूँ कि दो का पचास निकालना है तो कैसे निकालेंगे का की जगह गुणा पचास और परसेंटेज हटा करके सौ निकाल दोगे फिर क्या करोगे दो जीरो से दो जीरो काट दोगे दो और पचास का गुणा करने पर कितना बताओगे आप सौ बताओगे ऐसा ही करते हैं लेकिन यदि फ्रैक्शन के अंदर हो तो आपको पता है है ना कि दो सौ का आपको कितना निकालना है पचास परसेंट निकालना है अब आपको यदि ये पता हो कि पचास परसेंट की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है एक बटा दो तो यहाँ पर पचास परसेंट की जगह आप सीधा क्या कर दोगे इन बटा दो और जब दो से ये दो सौ काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सो आ जाएगा बहुत सारी जो है कैलकुलेशन वो यहाँ से हट जाती है गुड मॉर्निंग सर प्रमोद जाखर नागर राम गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात गुड मॉर्निंग देख लीजिए ना ये फ्रैक्शन की चीजें हैं तो फ्रैक्शन में आपको चीजें याद होनी चाहिए फ्रैक्शन कैसे काम करता है अभी जो अपन जो मैंने बताया था कि झूला मेथड से काम करेंगे बहुत आज दो ही मेथड पर अपन काम करने वाले हैं उसमें ये फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रैक्शन कैसे है देखिए एक बार है ना जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि पचास परसेंट है ना पचास परसेंट प्रतिशत में जो पचास प्रतिशत की वैल्यू है वही फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू है एक बटा दो की वैल्यू है एक बार साथ में आप यदि नहीं पता है तो नोट कर लीजिए और पता है तो साथ साथ में आप कमेंट करते रहिएगा विजेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग बना गुड मॉर्निंग अब मुझे बताइए आप है ना तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट मैं उल्टा कर देता हूँ यहाँ पर फ्रैक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर परसेंटेज लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें रहेगी है ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन और आगे मैं लिख देता हूं परसेंटेज देखिए एक बटा दो यदि फ्रैक्शन हो उसका मतलब कितना होता है पचास परसेंट होता है एक बटा तीन फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज में वैल्यू आप बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कितनी होगी जिस प्रकार एक बटा दो जो है वो परसेंटेज के अंदर पचास परसेंट के बराबर होता है उसी प्रकार से एक बटा तीन किसके बराबर होता है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट के बराबर होता है ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को आप वापस दोबारा देखिएगा ये काम की चीजें हैं आपको पता होगी तो आप एडवांटेज लेंगे एक बटा तीन का मतलब क्या होता है बताइए तैतीस सही एक बटा तीन स्टार क्लासेस गुड मॉर्निंग सर हेलो सर एक बटा चार जो है एक बटा चार की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे पच्चीस प्रतिशत होती है एक बटा पांच की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे बीस प्रतिशत होती है एक बटा छ की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे सोलह सही दो बटा तीन प्रतिशत होती है यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है ये सारी चीजें एक बटा छह की वैल्यू हो गई यहां पर देखिए अगर मैं कहूं एक बटा सात की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है तो चौदह से दो बटा सात प्रतिशत की वैल्यू ये फ्रैक्शन के अंदर सारी चीजें जब अपन पढ़ेंगे तो इसका यूज मैं बताऊंगा है ना बिना फ्रैक्शन के वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ये कैसे निकालते हैं एक बटा सात एक बटा छह जैसे देख लीजिए ना इसको मैं बता देता हूँ सरल सा तरीका कि सर एक बटा चार बराबर पच्चीस परसेंट कैसे हुआ तो आपको क्या करना है देखिए पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट है परसेंट को उठा करके बटा में क्या कर देना है चार देना है पच्चीस से गया एक बार पच्चीस से गया चार बार तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू कितनी आ गई एक बटा चार होगी एक बटा आठ की वैल्यू कितनी है तो एक बटा आठ की वैल्यू जो है वो साढ़े बारह परसेंट एक बटा आठ की वैल्यू कितनी होती है साढ़े बारह परसेंट एक बटा नौ की जो है वो होती है आपके एक बटा नौ की होती है ग्यारह सही एक बटा नौ परसेंट एक बटा दस की वैल्यू जो होती है वो तो आपको पता है दस परसेंट और एक बटा ग्यारह की जो वैल्यू होती है वो ग्यारह सही नौ सही एक बटा ग्यारह परसेंट होती है यहां तक जो है आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए एक बटा ग्यारह तक है ना एक दो से लगा करके ग्यारह तक ये सारी की सारी फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पहले से ही पता है तो एक बार थम्सअप बता दीजिए फिर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जल्दी से बताइए फिर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं है ना ये फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहले से याद है तो वेल एंड गुड है नहीं तो एक बार आप जो है ना वो इसको याद कर लीजिएगा याद का मतलब ऐसे नहीं है कि जिस प्रकार से आप हिंदी के अंदर रूल्स याद करते हैं वैसे याद करना है क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाए उस समय इस वैल्यू आपको याद हो जाएगा कि एक बटा तीन कितना होता है तैतीस से एक बटा तीन परसेंट होता है एक बटा बारह बटा आठ का मतलब साढ़े बारह हो जाएगा ये सारी चीजें वहां से आपको पता लग जाएगी चलिए फिर क्वेश्चन पर आते हैं ब्रदर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दो एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ है ना बिल्कुल एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप एक बार देख लीजिए है ना और ये जो मेथड है उसके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैथड एक ही है लेकिन उसके क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप से कैसे बढ़ते हैं वो आप देख लीजिए ना सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंपली मेथड अलग है लेकिन इसका नाम जो है मैंने क्या दे रखा है जूला मेथड दे रखा है कोई ज़्यादा बड़ी चीज नहीं है सारी चीज़ें जो है वो आप पढ़ते हैं वो की वही चीज़ें कुछ इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आएगा है ना शायद एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए है ना क्योंकि जब क्लास नहीं होती है तो बहुत सारे कमेंट आते हैं जब क्लास होती है तो आप सो जाते हैं चलिए झूला मेथड क्या होता है सबसे पहले देखिए जब एक क्वांटिटी जो है यानी कि एक राशि है ना एक राशि जब ऑटोमेटिक इंक्रीज की जाए एक राशि को अपन इंक्रीज करें यानी बढ़ा देते हैं एक के अंदर अपन बढ़ा देते हैं तो दूसरी राशि जो होती है ना दूसरी राशि जो होती है वो स्वतः ही क्या हो जाती है दूसरी राशि जब स्वतः ही डिक्रीज हो जाए यानी कम हो जाए एक राशि के अंदर वृद्धि की जाए तो दूसरी राशि स्वतः ही जब कम हो जाए उस समय आप जो है वो इस मेथड का यूज एक बार आप वापस देख लीजिए कि जब क्या है एक राशि इंक्रीज करती है और दूसरी राशि डिक्रीज करती है जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि स्वतः ही, ही कम हो जाती है उस समय आपको इस मेथड का यूज करना है और इस मेथड में जो है वो आपको फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा परसेंटेज को किस में चेंज करके फ्रैक्शन में चेंज करके सीधा सीधा समझना पड़ेगा एक क्वेश्चन में बता देता हूं उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कि जो है वो आपको ये मेथड काम का लग रहा है या नहीं लग रहा है चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए ना राम का वेतन राम का वेतन मोहन के वेतन से प्रतिशत अधिक है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25 प्रतिशत अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन तो बताइए कि मोहन का वेतन राम के वेतन से मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है कितने प्रतिशत कम है यही क्वेश्चन है देखिए ना सबसे पहले इस मेथड को समझिए आपके होता क्या है देखिए राम का वेतन जो है वो मोहन के वेतन से ज्यादा है अब कितना प्रतिशत ज्यादा है वो बाद में बात करेंगे आपने आंसर बता दिया अभी मैं वैल्यू दूंगा तब भी आप बताना है ना राम का वेतन मोहन के वेतन से पच्चीस अधिक है अब बताइए अगर राम का वेतन अधिक है तो ऑटोमेटिक मोहन का वेतन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना समझिए आप इस मेथड को सबसे पहले आराम से राम का वेतन जब अधिक होगा तो बताइए मोहन का वेतन ऑटोमेटिक कम होगा या नहीं होगा राम से हो जाएगा जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी कम होगी तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हैं बताइए इस झूला वाले मेथड को क्या कर सकते हैं देखिए राम का वेतन मोहन के वेतन से पच्चीस प्रतिशत अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत है अब आपने इसको सॉल्व किया होगा देखिए मैं बता देता हूँ आर फॉर राम लिख लेता हूँ एम फॉर मोहन लिख लेता हूँ एक बेसिक आइडिया से बेसिक मेथड जो है होता है बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है वो बताते हैं ना देखिए किसी का बीस परसेंट आ रहा है किसी का तीन सौ इकतीस बटा तीन आ रहा है इसमें तो इतनी गड़बड़ मत कीजिए ...राम का, राम का वेतन मोहन के वेतन से पच्चीस प्रतिशत अधिक है किससे अधिक है मोहन से तो मैं मोहन का वेतन सौ रुपए मान लेता हूँ तो राम इससे अधिक है और सौ का पच्चीस कितना होता है पच्चीस होता है तो ये राम का वेतन मोहन में जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से राम और मोहन का वेतन आ गया अब समझिए आप इसने बोला है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है मोहन का वेतन बताइए राम से कितना कम है तो आप कहेंगे सर पच्चीस कम है देखिए ना मोहन का वेतन राम से 25 कम है किस से कम है राम से राम का वेतन 125 आधार में आ जाएगा और बट्टा सो है ना मोहन का वेतन राम से 25 कम है किससे कम है राम से तो अपन 125 सब काट लीजिए 25 से कम 25 25 पंजे 125 और 5 से ये कट जाएगा 20 बार इसलिए आंसर तो कितना आ जाएगा बताइए 20 परसेंट है ना जिसका जिसका आंसर 20 परसेंट आया एक बार जो है वो कमेंट कर दीजिए ना ये बेसिक मेथड है जिससे सब सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है सॉरी सर गलती है हमारी एक बार जो है ना आप बता दीजिए कि 20-20 परसेंट -20 किसके आंसर आया था ना 20 परसेंट बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व करके ना आराम से सौ मान करके और 20 परसेंट आंसर ला सकते हैं थम्सअप करके बता दीजिए कि हाँ सर मेरा जो है वो 20 परसेंट आया था ये मेथड नहीं है अभी जो मैं बताने वाला हूँ दूसरा है अभी भी देखिए सोलह से दो बटा आ रहा है जो कि गलत आंसर है ऐसे ना कीजिए ना सोलह से दो बटा आंसर नहीं है बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बीस आंसर है इसका कितना आंसर है बीस आंसर है इसका आंसर कितना है बीस परसेंट है अब एक बार जो है वो मेथड आप जो है वो इसको भी चेंज करके और देखिए आप जो है इसको कितना जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर 25 परसेंट लिखा हुआ इस वजह से आप 100 मान करके बड़ी आसानी से कर रहे हैं जब यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी तब उस समय जो है आप आंसर निकालने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस कर सकते हैं देखिए कैसे पहला काम आपको क्या करना है बताइए पच्चीस लिखना है ना पहला काम क्या करना है पच्चीस और ये सारा चीजें जो है मैं आपको समझाने के लिए, लिए लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में इतना लिखने का काम नहीं पड़ेगा फिर इस 25 परसेंट को आप फ्रैक्शन के अंदर यानी भिन्न के अंदर चेंज कीजिए कैसे करते हैं भिन्न के अंदर चेंज तो परसेंटेज को हटा करके सौ से भाग देते हैं यदि आपको याद हो कि पच्चीस परसेंट एक बटा चार होता है मैंने लिखवाया था पच्चीस परसेंट की वैल्यू कितनी होती है एक बटा चार याद नहीं है तो परसेंटेज हटा करके सौ लिख दीजिए 25 से काट दीजिए तो कितना आ गया एक बट्टा चार आ गया 25 को काट करके है ना ये कितना आ गया एक बट्टा चार आ गया अब जो है वो क्वेश्चन में आपको देखना है अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताइए ये जो 25 परसेंट है वो क्या हो रही है अधिक हो रहा है 25 परसेंट बढ़ रहा है सर कभी कभी साइकोलॉजी भी पढ़ा दो पढ़ा देंगे सर पच्चीस अधिक की बात कर रहा है पच्चीस वृद्धि की बात कर रहा है इंक्रीज की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पर क्या लगा? बताइए प्लस लगाना है क्या लगाना है प्लस यदि वो वहाँ पर 25 परसेंट कम की बात करता हास की बात करता कमी की बात करता तो यहाँ पर क्या आ जाता माइनस आ जाता अब आपको क्या करना है देखिए जो ऊपर वाली राशि है ना वो यदि प्लस है तो एक बढ़ेगा और यदि ऊपर वाली राशि सर आपने व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया है ना व्हाट्सअप में लगभग सौ से ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया तो व्हाट्सअप पे जो है वो सौ से ज़्यादा मैसेज अनसिन पड़े हैं अब उसमें से किसके किसके आंसर दूं और किसके किसके के, -किस के मैसेज सिन करूँ वही चक्कर है ना सौ से ज़्यादा अनसिन है अब देखिए ना प्लस एक है तो आपको एक की वृद्धि करनी है माइनस एक है तो एक की क्या कर देनी है कमी कर देनी इस चीज का ध्यान रखना है और किस पे वृद्धि या कमी करनी है आधार में जो संख्या दे रखी है उसमें कमी या वृद्धि करनी है अब यहां पर दे रखा है पच्चीस परसेंट अधिक है तो चार से आप क्या करेंगे एक की वृद्धि करेंगे चार में एक की वृद्धि करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा वापस से समझिए पच्चीस इज इक्वल टू वन अपॉन वृद्धि दे रखी है अधिक दे रखा है तो प्लस एक किया प्लस एक किस में करना है आधार में जो संख्या दे रखी है उसमें करना है और चार से ये कितना बढ़ गया एक बढ़ गया यानी चार पर एक बढ़ा दिया तो अब कितना आ गया पांच अब ये चार से तो पांच हो गया एक बटा एक की वृद्धि हो गई अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या है लास्ट में दे रखा है कि बताओ मोहन का वेतन इससे कितने परसेंट क्या होना चाहिए कम है, है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कितने परसेंट कम है मतलब अब वापस क्या करनी है इसके अंदर कमी करनी है अब वापस कमी का मतलब है पांच से आपको कितना लाना है चार लाना है वापस चार में एक बढ़ा दिया तो पांच गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको वापस जो है वो सेम लाना है यानी पांच से चार लाना है तो एक की क्या करनी है बताइए कमी करनी है एक की कमी करनी है लेकिन किस पे एक की कमी करनी है पांच पे तो ये हो जाएगा एक बटा पांच

अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें ही दो तीन परसेंटेज की वैल्यू चेंज करके आपको देता हूं आप वहां से बताना है है ना झूला मेथड इसका नाम किस वजह से है वो एक बार देख लीजिए पिछली रीट में 116 सो थे मैथ्स के वजह से कम आ गए थे मैक्सिमम के साथ में यही था मैथ्स के वजह से है ना झूला मेथड क्यों है क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइप का झूला होता है जब ये ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है नीचे हो जाता है ऐसे अप डाउन वाला झूला होता है इस वजह से एक राशि बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो जाती है कमी हो जाती है यही क्वेश्चन है ना यही क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है आपको यही क्वेश्चन रखना है अब मुझे आप जो है वो यहाँ पर तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी सेम ही क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे करना है यही तरीका बताओ ब्रो मैं पहले भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ना कर पाए ये तरीका आपको लगे कि आप सॉल्व कर सकते हो तो करना है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना इतना लोड नहीं लेना है अब क्वेश्चन देखिए राम का वेतन मोहन के वेतन से तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने परसेंट कम है केवल पच्चीस परसेंट की जगह मैंने तैतीस से एक बटा तीन लिखा है और आप... जल्दी से इसका एक बार आंसर बता दीजिए आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सेम है क्वेश्चन केवल जो परसेंटेज में पच्चीस परसेंट था उसकी जगह तैतीस से एक बटा तीन परसेंट दे आंसर बता दीजिए इसका जल्दी से कितना आ रहा है फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि आंसर कितना है है ना आप जो है वो आंसर आते ही कमेंट कर दीजिएगा और फिर जो है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ देखिए तैतीस से एक बटा तीन परसेंट का मतलब फ्रैक्शन के अंदर कितना होता है बताइए एक बटा तीन होता है तैतीस से एक बटा तीन का मतलब फ्रैक्शन के अंदर कितना होता है एक बटा तीन पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट सबके पच्चीस परसेंट आ रहा है अब देखिए अधिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर प्लस लगाना है और प्लस करना है किससे तीन पे तीन पे एक प्लस किया चार अब क्या करना है चार से वापस तीन लाना यानी एक की कमी करनी है तो एक लिखना है ऊपर और एक बटा चार का मतलब कितना परसेंट होता है बताइए एक बटा चार का मतलब कितना परसेंट होता है बताइए पच्चीस परसेंट तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए पच्चीस परसेंट सही है या नहीं है एक लाइन के अंदर बता दूंगे मन के अंदर बता दूंगे लिखने का काम नहीं पड़ेगा तैतीस से एक बटा तीन का मतलब एक बटा तीन तीन पे एक की वृद्धि यानी चार अब चार से तीन लाना यानी एक बटा चार एक बटा चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी पच्चीस परसेंट मौखिक रूप से किया जा सकता है इस टाइप की क्वेश्चन और वैल्यू यहाँ पर साढ़े है ना ये देखिए तैतीस से एक बटा तीन परसेंट था आपके आंसर आ गया पच्चीस परसेंट इस टाइप की वैल्यू जो फ्रैक्शन के अंदर बड़ी टिपिकल लगती है परसेंटेज के अंदर बड़ी टिफिकल लगती है उसमें ये मेथड और भी ज्यादा जो है वो शानदार हो जाता है एक और क्वेश्चन करके बताइए सेम ही यही क्वेश्चन है और इसके अंदर मैंने दे दिया है साढ़े बारह साढ़े बारह परसेंट है ना बारह पॉइंट पांच परसेंट कह दीजिए या साढ़े बारह परसेंट कह दीजिए जल्दी से इसी क्वेश्चन है सेम लैंग्वेज है साढ़े अधिक है साढ़े क्या है अधिक है सेम क्वेश्चन के अंदर साढ़े बारह परसेंट अधिक है लैंग्वेज के अंदर कोई चेंज नहीं किया है ना आंसर बताइए देखिए ना इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो आपको इसके अंदर फ्रैक्शन याद होनी चाहिए साढ़े बारह परसेंट का मतलब होता है एक बटा आठ अब एक बटा आठ अधिक है यानी आठ से कितना करना है आठ में एक जोड़ना है आठ पे एक की वृद्धि करनी है तो कितना हो जाएगा बताइए नौ हो जाएगा आठ में एक की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा अब नौ से वापस आठ बनाना है क्योंकि कमी करनी है नौ से आठ बनाने के लिए एक की कमी हो गई मल्टीप्लाई बाय सौ कर दीजिए यानी कि एक बटा नौ फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे ग्यारह से एक बटा नौ परसेंट इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए ग्यारह से एक बटा नौ परसेंटेज है ना जयपाल साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाए वीडियो की तैयारी भी साथ साथ में हो जाए एक बार में एक ही एग्जाम को टारगेट कीजिएगा नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे ना फिर भी यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आराम से कीजिए कोई दिक्कत नहीं है बताइए कुछ काम का ये वापस बताओ ब्रो एक बार वापस से देख लीजिए ना यहाँ पर अधिक है यहाँ पर अधिक की जगह कमी भी हो सकता है कम भी हो सकता है हास भी हो सकता है साढ़े बारह परसेंट का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन के अंदर एक बटा आठ अधिक दे रखा है तो प्लस का सिंबल लगाना है आठ पे एक की वृद्धि करके कितना लिख दिया मैंने नौ मान लीजिए यहाँ पर दो बटा आठ होता यानी कि मान लीजिए कोई दूसरी संख्या होती है और ऊपर अंश में जो है वो दो होता तो दो जोड़ करके यहाँ पर लिख देता आठ में एक की वृद्धि हो गया नौ अब नौ से वापस आठ बनाना इसलिए एक की कमी मल्टीप्लाई बाय सौ करना ग्यारह से एक बटा आपका आंसर आ जाएगा इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो कहां पर आते हैं मैं आपको पढ़ करके देता हूं आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई अब आपको बताना इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये एक ही मेथड है और इसी एक ही मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चन जो आधारित होते हैं उन सब की बात करते हैं एक ही मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चन आधारित है, कैसे हैं देखिए है।, है ना इसको सॉल्व कीजिए किसी आयत की लंबाई में जो है वो 25% परसेंट की वृद्धि की जाती है किसी आयत की लंबाई में 25% परसेंट की वृद्धि की जाती है तो आपको ये बताना है कि चौड़ाई में कितनी कमी करे कितने परसेंटेज की क्या करें कमी करे ताकि जो है वो क्षेत्रफल समान रहे ताकि उसका क्या रहे क्षेत्रफल समान रहे एक बार ये बताना है किसी आयत की लंबाई पच्चीस बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी है एक चीज बढ़ गई है दूसरी चीज ऑटोमेटिक कम होगी तभी क्षेत्रफल क्या रहेगा समान रहेगा यही मेथड यूज करना है आपको सेम मेथड है सेम तरीके से हेलो सर आपकी क्लास लाइव आज ही देख पा रही हूँ नहीं तो रिकॉर्डेड ही देखते हैं कोई बात नहीं ना रिकॉर्डेड देखते हैं तो भी वैसा ही पढ़ाया है और सेम की सेम क्लास है कोई दिक्कत नहीं है सेम ही क्वेश्चन है मेथड जो है आपको ये का यही लगाना है केवल इसकी लैंग्वेज चेंज हुई है क्या बताया देखिए आयत की लंबाई 25 परसेंट की वृद्धि हो जाती है अब आप मुझे बताइए 25 परसेंट की वैल्यू एक बटा चार हो जाती है वृद्धि का मतलब प्लस लगाना है चार पे एक की वृद्धि करोगे तो आ जाएगा पाँच अब पाँच से वापस चार बढ़ाने के लिए एक की कमी करना है वो ऊपर लिखना है और एक बटा फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज के अंदर कितना होता है बताइए बीस होता है आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा सबके बीस आ रहा है ना आया समझ में कि नहीं आया ये य वही मेथड है केवल जो है लैंग्वेज चेंज किए सर आपका समझाने का मेथड अच्छा है तरीके भी अच्छे हैं ना आप इस पर अगर फोकस करते हैं तो आप मौखिक मौखिक आंसर दे सकते हैं यहाँ पर जो 25 परसेंट और ये 30 परसेंट है ये बड़ी इजी वैल्यू है ऐसे एग्जाम में ना दे तो भी आप फंसेंगे नहीं जैसे देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर में एक लैंग्वेज एक जो है वो वैल्यू थोड़ी सी अलग लिख देता हूँ है ना यहाँ पर सोलह सही दो बटा लिख देता हूँ अब आप मुझे बताइए सोलह सही दो बटा तीन परसेंट की वृद्धि की जाती है सेम क्वेश्चन है अब आप मुझे इसका आंसर जल्दी से बताइए सेम क्वेश्चन है और उसके अंदर जो है मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है और परसेंटेज की वैल्यू सोलह सही दो बटा तीन परसेंट रख दी है क्या है देखिए किसी आयत की लंबाई सोलह सही दो बटा तीन परसेंट की वृद्धि की जाती है अब उस आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए इस आयत की चौड़ाई के अंदर कितने परसेंट की कमी करनी है देखिए आपका आंसर जल्दी से आ गया चौदह से दो बटा सात परसेंट चौदह से दो बटा सात परसेंट जल्दी से आंसर आ गया है अब बता दीजिए कि कौन से मेथड से किया है ना क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर देख लीजिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सोलह से एक बटा तीन परसेंट का मतलब एक बटा छः होता है वृद्धि है तो प्लस लगा देंगे एक बटा यानी छः पर एक की वृद्धि करके कितना बताया है सात अब वापस आपको सात से क्या लाना है छह लाना है यानी एक की क्या करनी है कमी करनी है एक की कमी यानी ऊपर एक लिख देंगे और एक बटा सात का मतलब कितना होता है चौदह से ही दो बटा सात परसेंट अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सौ मान करके करेंगे तो वहां से इसका आंसर जो है निकलेगा

वृद्धि की जगह में कमी कर रहा हूं वृद्धि की जगह क्या कर रहा हूं मैं कमी कर रहा हूं और कमी कहां पर कर रहा हूं नौ सही एक बटा ग्यारह परसेंट की कमी कर रहा हूं ध्यान रखिएगा है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा क्वेश्चन सेम है एक बार समझ लीजिएगा किसी आयत की लंबाई में नौ से एक बटाई ग्यारह की कमी की जाती है तो इस आयत का समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है कमी और वृद्धि जो है वो आपस में एक्सचेंज कर लिए हैं अदला बदली हो गई है अब इसका आंसर आप जल्दी से बताइए है ना वापस समझिए इसको नौ सही एक एक है इसको फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में यदि चेंज करना नहीं आता है तो आप आराम से चेंज करके बता दीजिए सर भाई राइट है डर लगता है नहीं लगेगा है ना देखिए सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में है उसको आप जो है वो नॉर्मल भिन्न के अंदर चेंज करना जानते ही होंगे इन दोनों का क्या करना है बताइए मल्टीप्लाई करना है ग्यारह नव निन्यानवे निन्यानवे और एक सौ बटा में ग्यारह परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे एक बटा सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सौ का भाग दे देंगे तो यहाँ से आपको जो फ्रैक्शन है वो तो एक बटा ग्यारह मिल जाएगी लेकिन ये जो फ्रैक्शन आप निकाले नहीं आपको याद होनी चाहिए तब तो इस मेथड का मजा है नहीं तो फिर कोई मजा नहीं है फिर आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है क्या करेंगे बताइए है ना फ्रैक्शन चाहे कितनी भी टेढ़ी आ जाए आप आराम से कर सकते हैं नौ सही एक बटा ग्यारह परसेंट की फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू कितनी होती है एक बटा ग्यारह की वैल्यू होती है अब बताइए कमी की है तो क्या लगा देंगे पर है ना एक बटा ग्यारह हो गया ग्यारह पर एक की कमी करने पर कितना आ जाएगा दस आ जाएगा सेकेंड ग्रेड की नहीं करा रहे हो सेकेंड ग्रेड में भी नहीं कर रहा हूँ ना एक बटा हो जाएगा एक की कमी होने पर दस हो जाएगा वापस आपको ग्यारह करना है यानी एक जोड़ना पड़ेगा एक की वृद्धि करनी है एक बटा दस जो है वो परसेंटेज के अंदर कितना होता है दस परसेंट होता है पता है इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं करते हैं आपके समझाने का ट्रिक बेस्ट है ट्रिक नहीं है ये शॉर्ट मेथड है जो आप कर रहे हैं वही काम है उसमें से कुछ चीज़ें हटा करके और जो है ना परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने से क्या होता है कि कैलकुलेशन कम हो जाती है और उसी कैलकुलेशन की वजह से आपके जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं होता और क्वेश्चन छूट जाते हैं बस इतना ही फर्क है बाकी कोई फर्क नहीं है आंसर आप कैसे भी निकाल सकते हैं इस मेथड से भी निकाल सकते हैं आंसर सही आ जाएगा लेकिन टाइम मैनेज करने के लिए इस टाइप के जो है आपको तरीके पता होने चाहिए कि ऐसे ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं सेम ही तरीका है सेम ही मेथड है लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए है अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और फिर उसके अंदर आप जो है वो गड़बड़ करते हैं मैं वैल्यू भी सेम ही रखूंगा लेकिन आप देखिए कि एक ही मेथड को आप कितनी जगह यूज करते हैं ना एक ही मेथड है अभी तक केवल मैंने झूला मेथड बताया है और जबकि मेथड दो आपको डिस्कस करने थे हो सकता है कि अगली क्लास के अंदर दूसरा मेथड मैं करूं लेकिन देख लीजिए ना सेम क्वेश्चन है सॉरी सेम मेथड है क्वेश्चन अलग है उसकी लैंग्वेज कैसे होती है देखिए है।, है ना देख लीजिए तेल के मूल्य में वैल्यू में सेम रख रहा हूं उससे आपको पता रहेगा कि तरीका यही अपनाना है यही लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन मेथड सेम रहता है तेल के मूल्य में क्या होगी 25 परसेंट की वृद्धि होगी तेल के मूल्य में 25 परसेंट की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी तेल की खपत को कितने परसेंट कम करे? है ना आंसर निकाल दीजिए आप तो जल्दी से ताकि उसका मासिक खर्च जो है वो क्या रहे यथावत रहे यानी सेम रहे इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे ना कमेंट कीजिए कि क्या आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं गृहिणी जो है वो तेल की जगह हमेशा शक्कर लेकर के आती हैं इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे तेल की जगह शक्कर के मूल्य में कहीं वृद्धि कहीं कमी हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे मेथड यही है नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए भूमिका शर्मा जी आप एक काम कीजिए इंक्रीज़ uh, कर लीजिए इसकी क्वालिटी आपको सही से दिखेगा है ना 20 परसेंट क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई अर्थ निकलता है अभी अभी हमने देखा कि 25 परसेंट की वृद्धि हो रही थी है ना दो से तीन क्वेश्चन किया उसके अंदर 25 परसेंट की वृद्धि हो रही थी और सबके अंदर आंसर क्या आ रहा था बताइए बीस की कमी आ रही थी है ना 20% की क्या आ रही थी कमी आ रही थी एक बार कमेंट करके बताइए अभी तक जो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर बताइए जहां-जहां पर मैंने 25% की वृद्धि लिखी है उसका आंसर बताइए 20% की कमी आया था कि नहीं आया था एक बार कमेंट करके बताइए कि जिस आया था या नहीं आया था यस और नो में कमेंट कर लीजिए कि 25% की

परसेंट आया था या नहीं आया था एक बार वापस सॉल्व करके आप निकाल लीजिए और कमेंट कीजिए सेम क्वेश्चन के अंदर यदि 16 से 2 बटा तीन परसेंट की वृद्धि हो जाए तो 16 से 2 बटा तीन यानी एक बटा छः फ्रैक्शन के अंदर एक बटा सात एक बटा सात की वैल्यू 14 से 2 बटा सात परसेंट एक बार वापस कमेंट करके बताइए इस वैल्यू के साथ में यदि वृद्धि होती है तो इस वैल्यू के साथ में कमी होती है या नहीं होती है ये दोनों के अंदर रिलेशन होता है ना इसीलिए इस मैथड का नाम है झूला मैथड की यदि एक वैल्यू के साथ में इंक्रीज होती है तो वो फिक्स दूसरी वैल्यू के साथ में क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है यानी कमी हो जाती है अब ये वैल्यू आ जाए तो आप सीधा सीधा आंसर लगा दोगे ये और जो सॉल्व करने लगेंगे उनके दो मिनट तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे और वहां से आप क्या है दो मिनट सेव कर लेते हैं और आगे आप जो है वो क्वेश्चन कर पाते हैं ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था लेकिन मैथड अभी भी कितना है वो का वही मैथड है है ना यदि मजा आ रहा है तो एक बार थम्सअप कर लीजिए अभी जो है एक टाइप का क्वेश्चन जो कि सेम मेथड से होगा वो आप सॉल्व करेंगे इसके बाद जो है वो मिश्रण के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं है ना अनुपात वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है है सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर और इस मेथड से आप उसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर वैल्यू चेंज हो जाए मैं वैल्यू जो है वो सिंपल रखूंगा ताकि आप आराम से सॉल्व कर लेना बड़ी बड़ी वैल्यू दिखा करके मुझे आपको डराना नहीं है सिंपल सी वैल्यू के साथ में आपको क्या करना है सॉल्व करना है किसी वस्तु दस परसेंट कर कम कर देने पर कम कम करने पर कम करने पर सुनिए वापस है ना किसी वस्तु पर दस परसेंट का कर यानी कि दस परसेंट का टैक्स जो है वो कम कर दिया जाता है तो कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है तो कुल राजस्व क्या होता है बताइए अपरिवर्तित रहता है कुल राजस्व क्या रहता है बताइए अपरिवर्तित रहता है तो आपको बताना है कि वस्तु के उपभोग में तो बताइए वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि की गई होगी रीट बायोलॉजी वाले कोई है क्या सारे के सारे भाई ना जो बीच में क्या हो रहा है है ना बहुत सारे स्टूडेंट बीच में आ रहे हैं और बीच में आकर के ये क्वेश्चन देख रहे हैं और

आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स है शायद और ग्यारह से एक बटन नौ परसेंट जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है ग्यारह से एक बटन नौ परसेंट ग्यारह से एक बटन नौ परसेंट का आपका आंसर आ रहा है सरिता चौधरी विमला आपका बिल्कुल आंसर सही है ग्यारह से एक बटन नौ परसेंट अब बताइए कि मेथड कौन सा यूज किया है ये दस परसेंट मैंने आपको दिखाने के लिए है एक बार ये मेथड लगता क्यों है वो समझ लीजिए कि ये मेथड लगता क्यों है देख लीजिए यदि किसी वस्तु पर मैं क्या कर देता हूं टैक्स जो है वो क्या कर दिया कम कर दिया अब मुझे बताइए किसी वस्तु का टैक्स कम कर दिया टैक्स कम करने पर बताइए जो है और राजस्व सेम रह रहा है इसलिए अगर टैक्स जो है वो कम किया है तो बताइए उसका यूज जो है वो कितना हो गया मैक्सिमम हुआ होगा टैक्स कम करने पर उसका उपयोग ज्यादा हुआ होगा तभी तो वह जो है वो उसका राजस्व यानी उस पर जो कमाई हो रही है वो सेम रही होगी सेम है या नहीं है आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी चौड़ाई में कमी कर दी तभी उसका क्षेत्रफल समान रहता है यानी अपरिवर्तित रहता है इसी टाइप का था तेल की 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 वृद्धि जो जो है 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 तो है वो वो हो जाती तो तो उसकी खपत में कितनी कमी 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 ताकि ताकि मासिक खर्च यथावत रहे इसी टाइप की तो टाइप लैंग्वेज लैंग्वेज थी सेम और इसको कैसे सॉल्व करना देखिए का मतलब कर कर देनी है कमी कर देनी मौख जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? एक बार बता दीजिए क्या इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बता दीजिए फिर होमवर्क के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ ओरली सॉल्व किया जा सकता है या नहीं इसमें किसी टाइप का जो है वो कोई आपको यू नहीं होना चाहिए कि इसको लिख करके ही सॉल्व करें ना ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं देख करके अच्छा 10 परसेंट कम कर रहा है 10 परसेंट का मतलब एक बटा दस कम कर रहा है यानी एक बटा नौ हो जाएगा एक बटा नौ की वैल्यू ग्यारह से एक बटा नौ बस इतना ही टाइम लगता है ना और ऑप्शन तो आपको उल्टा याद आ जाता है अब मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ दो से तीन क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो मेथड बताया है उसी से आपको सॉल्व कर मैंने बताया है उसी मेथड से सॉल्व करना लेकिन जो है मैं फंसाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जिससे आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसी मेथड से आपको क्या करना है सॉल्व करना है चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क में है ना चीनी के मूल्य में चालीस परसेंट की कमी होने पर कोई गृहिणी उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कितने प्रतिशत एक बार जो है वो देख लीजिएगा क्वेश्चन में पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर सॉल्व करके आप सीधा आंसर ही बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है उसके उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च जो है वो क्या रहे यथावत रहे यानी सेम रहे ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आप इसका सॉल्व करके वीडियो या रीट सर जी क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना इसको सॉल्व कर लीजिए आप फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं किसी सिनेमा हॉल किसी सिनेमा हॉल के किसी सिनेमा हॉल के टिकट की दर है ना टिकट की दर में बीस परसेंट की कमी हो जाए सिनेमा हॉल के सिनेमा हॉल के टिकट की दर में बीस परसेंट की कमी हो जाए तो कमाई यानी इनकम समान रहने के लिए इनकम समान रहने के लिए दर्शकों की संख्या में दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक होगी इस टाइप की क्वेश्चन आप सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर बता दीजिए ब्रो परसेंटेज टॉपिक के अलावा ऑल टॉपिक क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देना पीडीएफ का क्या करोगे पीडीएफ केवल फोन में पड़ी रहती है ना पीडीएफ नोट्स ये सारे के सारे एग्जाम में आपके काम नहीं आते एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है किसी वस्तु की कीमत साठ परसेंट बढ़ गई है ना इसका मतलब इंक्रीजिंग साइन है ये इसका मतलब इंक्रीजिंग साइन है बढ़ गई है दो सौ बटा तीन दो सौ बटा तीन बिल्कुल सही है आपके लेकिन इसके अंदर परसेंटेज में वैल्यू दे रखिए दो सौ बटा तीन फ्रैक्शन है ध्यान रखिएगा रहे हैं दो सौ बटा तीन ये क्वेश्चन जो है वो मैंने सोच समझ करके लाया है यहाँ पर चालीस परसेंट जान बुझ करके लिखा है दो सौ बटा तीन आपका आंसर बिल्कुल सही है लेकिन वो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू है आपको वैल्यू देनी है परसेंटेज के अंदर यानी छाठ सही ही दो बटा तीन छासठ पॉइंट तैतीस बिल्कुल सही आंसर है इस वजह से जो है इस पर स्टार लगा देना जान बुझ के ये होमवर्क में दिया ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए कि फ्रैक्शन में और परसेंटेज में फर्क कितना है साठ परसेंट की वृद्धि हो गई है तो आपको बताना है कि उपभोग जो है वो कितना कम करें ताकि खर्च यथावत रहे शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर लिखा है किसी वस्तु की कीमत साठ परसेंट बढ़ गई उपभोग कितने परसेंट कम करे ताकि खर्च जो है वो सेम रहे अब जो है आप कमेंट करके बता दीजिए जिन्होंने पूरी क्लास ली है आज की है ना इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे थे जो अगली क्लास में अपन बात करेंगे मिक्सचर के क्वेश्चन मिक्सचर के कैसे कि किसी नमक और पानी के घोल में जो है वो नमक इतने परसेंटेज है पानी इतने परसेंटेज है एक लीटर पानी उड़ा दिया तब

कि ये तरीका आपको समझ में आया और वही बताएंगे जो शुरू से दो तीन क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही है इस मेथड से शुरू से क्लास देख रहे हैं वो एक बार हम सब करके बताइए कि क्या ये मेथड आपकी यूजफुल है ये मेथड तब ज्यादा यूजफुल है जब क्वेश्चन ज्यादा डेंजरस हो जाता है ना जब वैल्यू जो है सोलह से दो बटा तीन से एक बटा सात से एक बटा इस टाइप की भयंकर दिखने वाली होती है तब उस क्वेश्चन को सौ से मान करके आप जो सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाएगी सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर रेट में एक नंबर थे हो जाएगा ना धीरे 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 आप जो है वो एक दिन के अंदर सब चीज़ें समझना चाहते हैं नहीं होता है धीरे 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 बड़ी मेहनत लगती है उसके बाद में है ना देख लीजिए सैंतीस पॉइंट पाँच परसेंट इसका आंसर आ गया बिल्कुल सही है इसका आंसर सैंतीस पॉइंट पाँच है इसका आंसर छासठ से बटा तीन परसेंट है और इसको तो आप कर ही लोगे बीस परसेंट का मतलब एक बटा पाँच हो जाएगा मेथड समझ में आया तो आप जो है वो थम्सअप कर लीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है यदि समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी लेकिन जब भी होगी इसी टाइप की ये जो है प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी शॉर्ट मेथड के नाम से लेकिन जो अपन सीरीज चला रहे थे रेगुलर टॉपिक वाइज वो अलग से चलेगी अभी टाइम ना मिलने की वजह से जो है वो बीच में ये लेकर के आए हैं इसके अलावा एक जो टॉपिक अपन और पढ़ेंगे परसेंटेज के अंदर ही वो टॉपिक है मिक्सचर का टॉपिक उस सेकेंड क्लास के अंदर मिक्सचर पर बात करेंगे सर सेकेंड ग्रेड या रीड की करूँ प्लीज़ बता दो रीड की आपको अच्छी लगे तो रीड की कर लीजिए सेकेंड ग्रेड में कम्फर्टेबल हो तो सेकेंड ग्रेड में विजेंद्र सिंह जी थर्ड का सैंतीस पॉइंट पाँच बिल्कुल सही आंसर है ना आंसर आप निकाल दोगे मैं अभी भी कह रहा हूँ आंसर आप किसी भी मेथड से निकाल दोगे लेकिन दूसरों से आप कितना फास्ट निकालते हो ये आपकी सिलेक्शन की गारंटी होती है एग्जाम के देने के बाद में घर पे आने के बाद में पूरा पेपर जो है वो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं उनको समय ज़्यादा लगता है बस इतना ही चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत